हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल देसी फूड किंग। आप सब जानते हैं कि हल्का हल्का ठंडी आ गया है, तो मार्केट में पालक भी आ गया होगा। तो आज हम बनाएंगे पालक की सब्जी। आइए देखते हैं पालक की सब्जी कैसे बनाते हैं। ये मैंने ले लिया है पालक, इसको अच्छे से धो के मैंने साफ करके काट लिया है। ये मैंने एक बैंगन ले लिया है, ये मैंने एक आलू ले लिया है, ये हरी मिर्च ले ली मैंने, आपको तीखा जब पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, ये मैंने पचफोरन ले लिया है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं पालक बैगन की सब्जी। उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। एक बात और दोस्तों, पालक बैगन की सब्जी अगर बनाते हैं तो आप लोहे वाले कढ़ाई में जरूर बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो यही कहूंगी कि आप लोहे वाली कढ़ाई आपके पास अगर है तो आप लोहे वाली कढ़ाई में पालक बैगन की सब्जी बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है पालक बैगन की सब्जी। तेल मेरा हो गया है, इसमें हम डालेंगे पचफोरन, मिर्चा, इसमें डालेंगे अब बैगन, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे अब आलू। इसमें हम कोई भी मसाला, कोई भी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ यही जो चीजें डालेंगे और बस नमक। इसमें हम आलू बैगन को पकाने के लिए नमक डाल देंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पालक में भी नमक होता है, तो इसीलिए हम अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसको हम अच्छे से चला लेंगे। 5 मिनट के लिए इसे हम पकाने के लिए इसे ढक देंगे। इसे हम खोल के चेक कर लेंगे। आलू मेरा हल्का सा पक गया है, इसमें हम डालेंगे पालक। पालक को मैंने डाल दिया है, इसको हम चला लेंगे एक बार, इसको हम ढक लेंगे, इसको एक बार हम खोल के चेक कर लेंगे। इसको हम अच्छे से चला लेंगे। अभी मेरी सब्जी पकी नहीं है तो इसको हम ढक देंगे। अभी ये देखिए दोस्तों, मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है, आलू बैगन पालक की सब्जी। ठंडियों में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसे चावल या पूरी किसी चीज पे से खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, पूरी सब्जी के साथ खाइए, जिससे भी खाएंगे वो स्वादिष्ट ही लगेगा। इसको हम अच्छे से आलू को मिक्स कर लेंगे और इसको हल्का सा तेज करके एकदम सोन कर लेंगे। इसका पानी अच्छे से हम जला लेंगे। ये देखिए, आलू पालक बैंगन की सब्जी बनके मेरी तैयार हो गई है। इसको हम पूड़ी के साथ खाएंगे और चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा कैसा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, लाइक करने से पहले प्लीज लाइक करिए।